कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र बरही में महानदी पर बने पुल पर आवागमन विगत 2 साल से बंद किया गया है, जिससे खजुराहो अमरकंटक राजमार्ग भी प्रभावित है। इसी के चलते आम जनमानस का भारी आक्रोश आज सड़कों पर उतरा और विरोध जताने बरही बंद कर क्षेत्रवासी धरने पर बैठे। आपको बता दें कि पुल बंद होने से मरीजों के आने जाने के लिए एम्बुलेंस तक प्रभावित होती है। इसके अलावा राजमार्ग बंद रहने से बरही के व्यापारियों में भी गुस्सा है। वहीं इस विषय को लेकर जब विधायक संजय सत्येंद्र पाठक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के विभागीय अधिकारियों से कई बार चर्चा की गई है और पूर्व में भी ठेका पुल निर्माण के लिए होता रहा, लेकिन तकनीकी कारणों से ठेकेदार काम छोड़कर भाग जाते हैं, जिससे बरही के महानदी पर बनने वाला पुल विलम्ब हो रहा है। इसके आगे उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही बरही के महानदी पर पुल का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। मैं खुद बहुत दुखी और व्यथित हूँ इस बात को लेकर कि जो महानदी के ऊपर कोटेश्वर में पुल बना हुआ है, वो पुल पिछले 1.5-2 सालों से क्षतिग्रस्त है और उसका मैंने टेंडर लगवाया। चूंकि वो पुल 900 मीटर लंबा है और उसका पानी के अंदर जो पाए हैं दो, जिनके जिनमें गैप आ गया, उसका बनना है, तो दो दो तीन तीन टेंडर लग चुके हैं। 2 बार टेंडर निरस्त हो गया, तीसरी बार भी लगा, ठेकेदार 3 बार छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि बड़ा तकनीकी उसमें एक कार होना है। लेकिन जो भी होना है, जब समुद्र के अंदर बड़े बड़े पुल बन सकते हैं, जब नदियों में बड़े बड़े पुल बन सकते हैं, तो ये पुल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें विभाग की, मैं कहता हूँ आज कि ये जो भी ठेकेदार को पकड़ के ला रहे हैं, ये सिलेक्ट करें ऐसे ठेकेदार को जो पानी के अंदर, नदी के अंदर, समुद्र के अंदर काम करते हैं, और उनको लेके आए और उनको टेंडर दे, ताकि फिर से कोई ठेकेदार काम छोड़ के ना भागने पाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में मिल चुका हूँ 2 बार, 2-3 बार मैंने वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी से भी आग्रह किया, उन्होंने भी इसमें विभाग को कार्य तेज करने के आदेश दिए हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी से जब मैं पिछले कार्यकाल में, उस समय भी मैंने अपनी तरफ से मांग रखी, विधानसभा में इस मांग को उठाया। हम खुद इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं कि कितनी जल्दी ये पुल बने। मैं जब जनता आज जो आंदोलन कर रही है, मैं जनता की भावनाओं को समझता हूँ और उनका आंदोलन करना भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके दुख का प्रतीक है, ये प्रतीक के रूप में है कि उनका दुख है, जो उनका कष्ट है। क्योंकि देखिए, बरही तरफ तो फिर भी ठीक है, बरही के उस पार पुल के उस पार जो इटौरा, इटमा, करेया, महानदी, लखनपुरा, ये सारे गांव हैं, यहाँ के जो बच्चे पढ़ने आते हैं, स्कूल पढ़ने आते हैं, कॉलेज पढ़ने आते हैं, जो वहाँ के कोई मरीज होते हैं उनको एम्बुलेंस लाना पड़ता, तो ये बहुत दुखद बात है कि इतना लंबा समय हो रहा है और विभाग जो है इसमें बार बार टेंडर करता, बार बार टेंडर निरस्त हो जाते हैं या टेंडर छोड़ के ठेकेदार भाग जाता। तो विभाग को ये करना पड़ेगा कि अच्छा कोई ठेकेदार पकड़ के लाएं और इस पुल को यथाशीघ्र पूर्ण कराएं। मैं आज जो जनता आंदोलन कर रही है उनकी भावनाओं से सहमत हूं कि हमारी पीड़ा सर्वविदित है, जनता भी जानती है, शासन प्रशासन भी जानता है। अब वो चूंकि सोया हुआ है, उसको जगाने के लिए कष्ट हम धरना धरकर बता रहे हैं, हमारी पीड़ा दूर करें। हमारे यहाँ कोई घटना हो जाती है तो मरीज का इलाज नहीं हो पाता, ठीक है, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पैदल पुल पार करके यहाँ पढ़ने आते हैं, कभी कोई आकस्मिक घटना घट जाए, ठीक है, उसका जवाबदार कौन होगा? तो शासन प्रशासन से मांग है, पुल चूंकि इतना क्षतिग्रस्त नहीं है, मैं तो एक निवेदन करूंगा कि यहाँ छोटे स्तर के, बड़े स्तर के काफी लोग हैं, लेकिन 2 वर्ष पूर्व कोई कोनिया कुदरी साइड एक पुलिया में कुछ घटना हुई और जब अधिकारी और इंजीनियर लोग जांच करने आए तो कुटेश्वर के महानदी पुल का कालम टेढ़ा हो गया, ठीक है, ये बात तो समझ से परे है कि भाई घटना दूसरे पुलिया में हो रही है और बंद दूसरा पुल हो रहा है। तो निवेदन यही है कि अगर, ठीक है, हम मान भी लिए कि पुलिया क्षतिग्रस्त है तो शासन प्रशासन उसका पुनः जांच करा के, और अगर क्षतिग्रस्त है तो उसकी मरम्मत कराए। भैया 2 वर्ष हो गए, जनता पीड़ित है, क्षेत्र पूरा पीड़ित है, बस इतने बोलना चाहेंगे। धन्यवाद।